हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस इन्फो। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के छात्र इस बात को लेकर असमंजस में हैं और वो परेशान हो रहे हैं कि उनका डेट शीट जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है स्टडी मटेरियल का कोई पता नहीं है, अभी तक उन्हें सिलेबस नहीं पता है। तो ऐसे में छात्र क्या करें, उनका यही सवाल है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आज हम वीडियो पर चर्चा करते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं, आप कैसे पढ़ाई करें। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि छात्र का ये सवाल है और छात्र ये पूछ रहे हैं कि उनका डेट शीट आ चुका है, 27 नवंबर से उनका एग्ज़ाम है, लेकिन अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया है गया है उन्हें। तो ऐसे में वो कहाँ से पढ़ें? तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप कहाँ से पढ़ें। आपको जहाँ से भी मटेरियल पता चल रहा है, आपके दोस्तों से मिल रहा है मटेरियल या किसी साथियों से मिल रहा है जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर मटेरियल या नोट्स आपको मिल पा रहा है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे छात्रों का डिमांड है, बहुत सारे SOL छात्रों का, कि उनका कहना है कि एग्ज़ाम जो है उसको मई जून के लिए शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब चेंज कर दिया जाए, एग्ज़ाम दिसंबर में ना लेके उन्हें मई जून में लिया जाए, ये कहना है SOL छात्रों का। लेकिन कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाता है तो ठीक रहेगा, लेकिन ये एक सवाल है कि अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है ऐसे में, नवंबर में आपका एग्ज़ाम दे भी देते हैं, तो ऐसे में साफ़ है कि ना तो तैयारी है आपके पास उस तरह से और ना ही आपको सिलेबस ठीक से पता है। तो ऐसे में साफ़ है कि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या अगर आप पास हो भी जाते हैं। एक तो बहुत सारे छात्र ये है कि आप फेल हो जाएंगे, और जो छात्र पास हो भी जाएंगे जैसे तैसे, तो उनका नंबर जो है, जो मार्क्स आएगा वो बहुत घटिया होगा, इतने घटिया होगा कि आप आगे पढ़ना चाहें और भी किसी कोर्स में तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तो वो बेहतर होगा, लेकिन प्रशासन जो है SOL प्रशासन उस पर कोई नहीं ध्यान देते हैं। उन्हें नहीं पता हमें अभी भी कि स्टडी मटेरियल आपको कब दिया जाएगा, आप बस इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी आप अगर आप SOL लाइब्रेरी जाएं, अगर आपको बुक मिल पाता है, वैसे लाइब्रेरी में भी बुक ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे भी छात्रों को अब मना कर दिया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि स्टडी मटेरियल अब हमारे पास जो है लाइब्रेरी में बुकें नहीं हैं, तो आप इंतज़ार करें कुछ दिन स्टडी मटेरियल का। तो ये कहना है SOL प्रशासन का, लेकिन आप इसके भी भरोसे कितने रहोगे? अगर एग्ज़ाम अगर नवंबर दिसंबर में, तो आप खुद से तैयारी कर सकते हो। बाकी यही डिमांड आप प्रशासन से कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम जो है उसको शिफ्ट किया जाए, यानी एग्ज़ाम जो नवंबर दिसंबर में होगा आपका, वो उसको शिफ्ट करके मई जून में कर दिया जाए। तो ये मुझे भी लगता है ये ठीक रहेगा छात्रों के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, और SOL में पढ़ने वाले उन तमाम छात्रों के लिए। तो ये हमारा भी मानना है कि एग्ज़ाम शिफ्ट किया जा सकता है अगर SOL प्रशासन चाहे तो, क्योंकि इग्नू में भी इस साल से, अगर देखते हैं कि इग्नू में भी इस साल CBCS सेमेस्टर सिस्टम मोड लाया गया है, और इग्नू में भी यही कहा गया है कि स्टडी मटेरियल अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इग्नू ने ये भी उन्होंने सजेशन किया है, और उन्होंने ये पैटर्न बदल लिया है। इग्नू में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला था वो भी नवंबर दिसंबर में होने वाला था, लेकिन स्टडी मटेरियल प्रिंटेड नहीं होने के कारण उन्होंने अपना एग्ज़ाम को शिफ्ट कर दिया है, यानी कि जो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला था वो एग्ज़ाम अब इग्नू में जो है वो मई जून में होगा। तो उन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो शिफ्ट करके मई जून में कर दिया गया है। तो ये SOL में भी किया जा सकता है, SOL छात्रों के लिए भी किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कोई अभी अपडेट होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंचे और वो भी डिमांड कर सके SOL प्रशासन से कि उनका एग्ज़ाम जो है उसको शिफ्ट किया जाए। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।